अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग अपनी उर्दू की अमली मशकें निकाल लीजिए। आज हम उर्दू की अमली मशकों में लिखाई करेंगे। उर्दू की अमली मशकों का सफ़ा नंबर 3 निकाल लीजिए। और ये क्या लिखा है, खाली जगह पूर कीजिए। अलिफ, अलिफ के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों? जी अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। बे, बे के बाद पे के बाद ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? ते, ते के बाद टे के ऊपर छोटी सी तोय। टे के बाद से के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों? जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता। जीम के बाद छे, छे के पेट में 3 नुक्ते। छे के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों? हे, बेचारा खाली। हे के बाद ये क्या लिखा है बच्चों? खे, खे के ऊपर एक नुक्ता। खे के बाद दाल, दाल के बाद डाल, डाल के ऊपर छोटी सी तोय। डाल के बाद जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता। जाल के बाद ये क्या लिखा है बच्चों? रे, रे के बाद रे, रे के ऊपर छोटी सी तोय। जे, जे के बाद से के बाद सीन, सीन के बाद शीन। शीन के पास कितने नुक्ते हैं बच्चों? 3 नुक्ते। स्वाद, स्वाद के बाद द्वार। द्वार के पास कितने नुक्ते हैं बच्चों? 1 नुक्ता। तोय, तोय के बाद जोय। ऐन, ऐन के बाद गैन। गैन के ऊपर 1 नुक्ता। फे, फे, फे के बाद क्वाफ। काफ, काफ के बाद गाफ। लाम, लाम के बाद मीम। नून, नून के बाद वा। हे, हमजा, छोटिए, बड़िए। प्यारे बच्चों, अपनी उर्दू की अमली किताब निकाल लीजिए। अमली किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलिए। ये क्या लिखा है बच्चों? खाली जगह पुर कीजिए। प्यारे बच्चों, इस सफ़े की घर पर लिखाई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।